इंडियन नेवी ने अपने एडमिरल के लिए न्यू एपिलॉट्स जो है वो आपका यहाँ पर रिलीज कर दिए हैं। और बेटा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यू एपिलॉट है वो आप यहाँ पर देखेंगे वो कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। अभी ये सिर्फ एडमिरल रैंक के लिए आपका रिलीज किए गए हैं, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर, अगर आप देखें तो नॉर्मल नेवी में तो आपको यही आपका एडमिरल के एपिलॉट्स आपको दिखेंगे, लेकिन अगर सर्जिकल रैंक की बात करें, चाहे वो सर्जिकल रियर एडमिरल है या फिर आपका सर्जिकल वाइस एडमिरल है, तो उस कंडीशन में जो आप जो ब्लैक बॉर्डर आप देख रहे हो ये चेंज हो जाएगा, दैट वुड बी इन रेड इन कलर, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका जो एपॉलेट है यहां पर, दिस इज फॉर द एडमिरल रैंक, लेकिन अगर हम बात करें आपका वाइस एडमिरल में, ये सिर्फ आपका जो है स्टार्स है ये तीन होंगे, और फॉर द रियर एडमिरल ये आपके दो स्टार्स होंगे और बाकी पूरा एपॉलेट यही रहेगा। यहां पर जो चेंजेस है वो आप यहां पर देखिएगा, जो सबसे मेजर चेंज है यहां पर आपका गोल्डन नेवी बटन जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस किया है सबसे ऊपर टॉप पर। ये जो गोल्डन नेवी बटन है यहां पर इंडियन नेवी ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि ये रिजॉल्व है टू डू अवे विद गुलामी की जो मानसिकता है उसको खत्म करने के लिए ये जो आपका गोल्डन नेवी बटन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखेंगे अशोक स्तंभ जो है ये आपका एक ऑक्टागन के अंडर है, ठीक है। ऑक्टागन यहां पर आपका यूज किया गया है आपका जो है रेड बैकग्राउंड में, और ये जो अशोक स्तंभ है इसको आपका यूज किया गया, ये ऑक्टागन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि 8 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और उसके बाद फिर आपका साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये मिलाकर टोटल 8 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ जो ऑलराउंड लॉन्ग टर्म विजन है उसको आपका रिट्रेट कर रहा है ये आपका ऑक्टागन। इसी के साथ साथ अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक स्वॉर्ड दिखाई देगी, ये जो स्वॉर्ड है यहां पर जो आपका यूज की गई है, ये स्वॉर्ड जो है ये जो हमारा जो हमारा रीजन डिटेरे है, यानी कि आपका जो रीजन है उसको आपका जो है यहां पर जो है सिग्निफाई करता है, दैट इज कटिंग एज ऑफ नेशनल पावर, और साथ ही साथ टू विन द वॉर्स थ्रू डोमिनेंस डिफीटिंग एडवर्सरीज एंड ओवरकमिंग एवरी चैलेंज। तो इन सब चीजों को आपका ये स्वॉर्ड जो है वो आपका यहां पर जो है रिफ्लेक्ट कर रही है और उसको बता रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहां पर इस स्वॉर्ड के साथ साथ क्रॉस में आप देखोगे एक टेलीस्कोप भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, और ये लॉन्ग टर्म विजन को सिंबलाइज करता है, साथ ही साथ फोरसाइट और साथ ही साथ ऑल वेदर आई जो कि आपका जो है दैट इज रिक्वायर्ड इन एवर चैलेंजिंग और एवर चेंजिंग वर्ल्ड, उसको आपका डिपेंड जो है डिपेक्ट कर रहा है। तो ये यहां पर चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। ये एडमिरल्स के एपोलेट्स में आपके चेंजेस है, गोल्डन नेवी बटन, ऑक्टागन, इंडियन स्वॉर्ड और टेलीस्कोप ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, और जल्द ही बाकी सारे एपॉलेट्स भी हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो विद दिस नोट, जो जो है आपका ऑन द नेवी डे जो आपका जो है ये रिजॉल्व लिया गया था कि जो गुलामी की मानसिकता है और साथ ही साथ जो इंडियन नेवी आज भी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ चल रही है उसको खत्म करना है, उसको चेंज करना है, उसके ऊपर एक पहला कदम है, और आगे जो है बहुत जल्द आपके जो है बाकी ऑफिसर्स के भी आपके एपॉलेट्स वो रिलीज किए जाएंगे, लेकिन आज जो है ये एपॉलेट्स जो है वो रिलीज किए गए हैं, एंड अल्टीमेटली दिस इज सिग्निफाइंग अ न्यू एरा, बिल्कुल नया एक वर्ल्ड आपका सिग्निफाई कर रहा है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, कि अब जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस है जो आपका हम बात करते हैं आपका इंडियनाइजेशन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की, उसकी तरफ हमारी एक पहल है। Alright, so that would be all in this video. Thank you very much, guys. Keep watching such kind of videos. Do not forget to subscribe to our channel. Subscribe जरूर कीजिएगा, like and share जरूर कीजिएगा. ये नई information है, नया देश है, नया भारत है. Thank you. Bye bye. Take care and Jai Hind.